वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक और 67 बीपीएससी री एग्जाम के लिए करंट अफेयर का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है इंडिगो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है जेसिका वाटकिंस। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे खोला गया है भोपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है हर्षता शरद गरुड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी लंबाई 632 मीटर है कहाँ बनाया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज बनाया गया है वियतनाम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है इटली के रोम में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है टोक्यो में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के ST और SC विकास विभाग ने की है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा उड़ीसा राज्य के ST और SC विकास विभाग ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है?
भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों सांबा जिला स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है फ्रैंक विल्जैक को। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस से चलने वाली भारत की पहली ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई शहर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो दोस्तों चक्रवाती तूफान का नाम आसानी रखा है श्रीलंका देश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के चेन्नई शहर में की है। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है बालकृष्ण विठलदास दोषी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वह पहला राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई? जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कोयम्बटूर से शिरडी के स्थान के लिए शुरू की गई। अगला प्रश्न है, 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है IIM अहमदाबाद के द्वारा। थैंक यू।